फर्स्ट जो हम लोग आपको कॉन्सेप्ट लिखवाए थे, क्या कॉन्सेप्ट लिखवाए थे बोलिए? तो क्या होगा? ए टू दी पावर इजिकल टू बी, लिख सकते हैं ना? वापस इसको अगर हम बोलेंगे लिखने के लिए, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आपको कुछ सम्स लिखवा रहे हैं, लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कैसे होगा बोलिए? टू का पावर इजिकल टू, इसलिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? टू इंटू टू इंटू टू, तो एट आंसर एबीसीडी में जो भी होगा आप कर लेंगे। इसको कैसे बनाएंगे बोलिए? क्या लिखेंगे? फाइव का पावर इजिकल टू, इसीलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 125। क्या होगा बोलिए? 2 दी पावर x इजिकल टू 8। अरे 8 भी तो किसी का पावर है। अब 8 को आप ब्रेक करो तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 दी पावर x इजिकल टू 3, बेस इक्वल है इसीलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंडिसेस में जानते हैं ना, एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, इंडिसेस में ये बोला गया है, ये रूल है कि अगर बेस इक्वल होगा तो पावर को लिखेंगे और अगर पावर इक्वल होगा तो बेस को लिखेंगे। ओके, इसको बनाइए, क्या होगा बोलिए? तो क्या होगा? x का पावर 2, 9 का पावर 2, तोड़ के देख लीजिए। वैसे तो हम लोग 3 से तोड़ेंगे क्योंकि हमको यहां पर तो 2 का पावर लाना है, इसलिए क्या करेंगे? 9 और 9, तो क्या होगा x का वैल्यू बोलिए? 9 होगा, क्योंकि इस बार आपका पावर इक्वल है। बात आया समझ में? क्या किए ध्यान से देखो, 2 दी पावर 3 इजिकल टू एक्स, यहां तो डायरेक्ट एक्स निकल गया, यहां पर भी 5 का पावर 3 किए इजिकल टू एक्स, डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकल गया, बट यहां पर जब हम किए तो 2 दी पावर एक्स इजिकल टू 8 आ गया। अब हम 8 को क्या किए? तोड़ दिए, बेस 2 है तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 3। यहां पर हम लोगों ने क्या किया? एक्स का 2 है इजिकल टू 81, तो हमको 2 लाना है, आ गया, तो एक्स इजिकल टू कितना हो गया? 9।